जय श्री कृष्ण दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित जानकारी देंगे। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण मात्र एक ऐसे देवता हैं जो 64 कलाओं से युक्त हैं और कलयुग में उनकी भक्ति सभी कष्टों से मुक्ति और मनचाहा वर दिलाने वाली मानी गई है। भगवान श्री कृष्ण की साधना और आराधना के लिए भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी अत्यंत ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर जन्म हुआ था। यही कारण है कि हर कोई व्यक्ति उनकी पूजा, जप और कीर्तन आदि करके उनका आशीर्वाद पाने का प्रयास करता है। यदि आप भी किसी कामना का विशेष उपाय करना चाहते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी का दिन आपके लिए बेहद ही शुभ है। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन अगर आप उपाय करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कुछ चीज़ें भगवान के सामने जरूर रखनी चाहिए। साथ ही धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी और भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन आपको दोनों मुट्ठियों में यानी दोनों हाथों में अच्छी तरह से चावल भर लेने हैं। जितना चावल आ सके उतना चावल आपको दोनों हाथों में भर लेना है। अब ये चावल ले जा करके आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है और इसमें से थोड़े से चावल उठा करके आपको ला करके अपने घर के जो चावल का डिब्बा है उसमें किसी कपड़े में बांध करके 40 दिन के लिए रख देना है। दोस्तों, कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, भरपूर धन की प्राप्ति होगी। यदि आपको लगता है कि बहुत प्रयास करने के बाद भी आपके जीवन में प्रगति नहीं हो रही है और उसमें कोई ना कोई बाधा आ रही है या फिर आपके घर में हमेशा कलह बना रहता है, कलेश होता रहता है, तो उसे दूर करने के लिए इस जन्माष्टमी पर कान्हा जी की पूजा करते समय उनको चांदी की बांसुरी अर्पण करें। इससे भरपूर धन आता है और साथ ही घर में नकारात्मकता खत्म हो जाती है। इस दिन भगवान शिव का गाय के दूध से अभिषेक करें, साथ ही भगवान कृष्ण का भी गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए। जन्माष्टमी की रात को पंचामृत से भगवान कृष्ण का अभिषेक करना है। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर ये सभी गाय का होना चाहिए। अभिषेक करने के बाद में भगवान को 11 मोर पंख अर्पण करनी है। भगवान से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है कि हे गोविंद, आप हमारे घर पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे गृहस्थ जीवन में सदा ही खुशहाली रहें। 11 मोर पंख अर्पण करने के बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। फिर आपको वह मोर पंख उठा लेनी है। दोस्तों, यह 11 मोर पंख आपको पूरे घर में लगानी है। मंदिर में लगाएं, एक मोर पंख भगवान कृष्ण को समर्पित करें, एक मोर पंख आप गौ माता को जरूर अर्पण करके आएं, एक गंडा बनाएं जो गले में बांधा जाता है, किसी धागे में मोर पंख बांध करके गौ माता के गले में बांध करके आएं और फिर गौ माता को झुक करके नमस्कार करें। ऐसा करने से कामधेनु माता आशीर्वाद देती हैं, घर में सुख और समृद्धि आती है। एक मोर पंख अपनी तिजोरी में रखें, बाकी मोर पंख पूरे घर में लगाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। यदि विवाह के लंबे समय बाद भी आपकी सूनी गोद भरी नहीं पाई है तो आपको मनचाही संतान के लिए जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा में संतान गोपाल मंत्र का जाप अधिक से अधिक करना चाहिए। मान्यता है इस उपाय को करने से संतान की मनोकामना पूरी हो जाती है। यदि आपके जीवन से जुड़ी बाधा या फिर कोई शत्रु आपकी परेशान करता है तो आप उससे बचने के लिए इस साल जन्माष्टमी के पर्व पर क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। साथ ही इस मंत्र से आहुति भी दें। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होकर के आपकी हर प्रकार से रक्षा करेंगे। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी की रात आप अपनी इच्छा बोल करके भगवान कृष्ण के हाथ में एक धागा बांध दें। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा की गई भगवान श्री कृष्ण की साधना सफल हो तो आप उनकी पूजा में जपे जाने वाले किसी भी मंत्र का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।
आदि मंत्रों का जाप तुलसी की माला या बैजंती की माला से करें। ऐसा करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप आर्थिक परेशानी से घिरे हुए हैं तो इस साल जन्माष्टमी पर काना का केसर में से दूसरे अभिषेक करें। मान्यता है इस उपाय को करने से धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्यक्ति धन दान से पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण के सामने मोरपंख अर्पण करें तो चंदन का टीका लगा करके अर्पण करनी चाहिए। साथ ही भगवान को पीले वस्त्र अर्पण करें। धन की कामना बोलते हुए रात में गोमती चक्र, पीली कौड़ी, मोरपंख आदि चीज़ें भगवान के सामने समर्पित करें। माता लक्ष्मी और भगवान कृष्ण के सामने समर्पित करें। फिर आप श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। चौमुखी दीपक भगवान कृष्ण के सामने जलाएं। साथ ही इस दिन तुलसी माता के सामने भी 1 रुपये का सिक्का, 1 सुपारी, 1 पीली कौड़ी और हल्दी चावल ये चीज़ें तुलसी माता को समर्पित करें। फिर आप इनको उठा करके जो भगवान के सामने आपने रखा है उस सामग्री में मिला करके इनको तिजोरी में रखना चाहिए। जन्माष्टमी के पर्व पर भगवान श्री कृष्ण के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस दिन केले का पौधा मंदिर में लगाना चाहिए। किसी भी देवी या देवता की पूजा में प्रसाद का बड़ा महत्व होता है। ऐसे में जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण से मनचाहा वरदान पाने के लिए लड्डू गोपाल की पूजा में उनका मनपसंद भोग यानी माखन मिश्री जरूर अर्पण करें। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बरधारी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पीले रंग के कपड़े पहनने वाले। ऐसे में जन्माष्टमी की पूजा का पूर्ण फल पाने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें। साथ ही कान्हा को भी पीले फल, पीले पुष्प, पीली मिठाई अर्पण करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके विवाह में किसी कारणवश विलम्ब हो रहा है या फिर बात नहीं बन पा रही है या धन की कमी है तो आपको इस दिन भगवान के सामने ओम क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्रों का जाप करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, यह उपाय बेहद ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। इस दिन आप जितना ज़्यादा हो सके भगवान के सामने दीपक जलाना है। आप इस प्रकार से पूजन करेंगे तो आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भगवान कृष्ण की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 2 दिन का रहने वाला है। आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, मन चाहा वरदान आपको मिलेगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।